फांसी नहीं मिल जाती तब तक ले हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज इतना आदमी से प्रदर्शन किए हैं, कल इससे भी ज्यादा से करेंगे। जब तक उसको अन्याय न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डेली रोड पे उतरते रहेंगे। ये हमारी मांग है राज्य सरकार से, और आप ही लोग के द्वारा सुनने को मिला है उसे 10 लाख रुपया दिया गया है। शर्म करो हेमंत सोरेन, 10 लाख रुपया से क्या उसकी जिंदगी चल जाएगी? अंकिता का जान का कीमत लगा रहे हो, उसका जान का कीमत 10 लाख रुपया था। उससे मिलने के बजाय, उसके घर वालों को ढांढस बढ़ाने के बजाय वो आप उसको 10 लाख रुपया देने का ऐलान करते हो। ये हम लोग को नहीं चाहिए, ये 10 लाख आप रखो। और शर्म करो थोड़ा सा कि जहाँ पर जनता सुरक्षित नहीं है वहीं आप जा करके सारे विधायक सांसद मंत्री मिल करके आप लोग हंसी वादियों में पिकनिक मना रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए हेमंत सोरेन, थोड़ी सी शर्म कीजिए। मैं उन वकीलों को भी कहती हूँ कि ऐसे दरिंदों के लिए नहीं लड़े, ऐसी बच्चियों के खिलाफ जाके ना लड़े। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी माताएं हैं। इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति रोड में आए। सरकार से मेरी अपील है, कानून में कड़े प्रावधान होने के बावजूद भी इस तरीके की घटना घट रही है, इस पर क्या कहना है? क्योंकि कानून का दांव पेच ऐसे अपराधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे दांव पेच करके हम गंदी से गंदी हरकतों को करके हम बच जाएंगे। और हमारी जो सरकार है वो ऐसे दरिंदों को ऐसे हाथ दी रही होती है कि जाओ बच्चों करो, तुम जितना कांड करना है करो, हम है तुम्हारे साथ। ऐसी सरकार को मैं धिक्कार देती हूँ, और जल्द से जल्द हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के सभी सदस्य हर दिन उतरेंगे सड़क पर, जहाँ तक जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते? लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ घरों में फेसबुक के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा मैसेज करने से नहीं होता है, सड़कों पे उतरिए। कई महिलाएं हमको मैसेज की ये तो गलत हुआ, ऐसे हुआ, सभी से मैंने कहा सड़कों पे उतरिए। हमारी डिमांड है कि कड़ी से कड़ी सजा उसे मिले, और अगर सरकार हमारी सजा नहीं दे पा रही है तो हम महिलाओं के हवाले करें उसे, हम सजा देंगे। उसे मालूम है कि 10 दिन के बाद उसका बेल हो जाएगा, वो आश्वस्त है, और वो हैबिचुअल है लड़कियों को घुमाने का और तंग करने का। हमारी मांग है कि अगर गिरफ्तारी हो गई है और निश्चित है कि हत्या उसने की है तो केवल उसको एक ट्रायल करके फांसी ही तो देना है। सरकार चाहे जो भी प्रावधान करना हो, जो भी कानून बनाना हो, जो भी नियम बनाना हो, अध्यादेश लाना हो, जो कुछ भी करना हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर विचार करे कि 10 दिन के अंदर उसको ट्रायल करके फांसी भी चौराहे पर दिया जाए, ताकि आगे फिर कोई अंकिता के साथ ऐसा घटना ना घटे। भाई है, उसका परिवार के लोग उक्त पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता है, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? और क्या सबूत चाहिए सरकार को? गिरफ्तारी तो हुई शाहरुख की ना, और शाहरुख के भाई की तरफ से, उसका परिवार के तरफ से, जो उक्त पीड़िता को परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है?